हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ दिव्या कैसे फ्रॉम डे केयर 265। तो ये है हमारा इस स्केचिंग ट्यूटोरियल का तीसरा पार्ट। और तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में। तो जब हम बिगिनर्स होते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं स्केचिंग का, ड्राइंग का, तब हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सा पेंसिल यूज करें और कैसे यूज करें, क्योंकि हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं होता है। तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई सा इन्फॉर्मेशन छूट जाए जिसपे आपको बाद में पछतावा हो। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो पेंसिल्स हैं और आप इन दोनों में से कोई सा भी पेंसिल ले सकते हैं। ये पेंसिल कैमलिन का पेंसिल है। तो ये जो है, इसमें आपको 6 पेंसिल का सेट मिलेगा, जिसमें कि आपके पास रहेगा HB, 2B, 4B, 10B, 6B, 8B। ये सारी जो पेंसिल है ये आपको मिल जाएगी इजिली, 50 रुपीज में आपको मिलेगी। एंड आपको जो ये पेंसिल है, ये अप्सरा की है, ये आपको 60 रुपीज में मिल जाएगी। और इसके अंदर भी 6 पेंसिल्स का सेट है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, तो इसमें 6 पेंसिल का सेट है, देखिए। तो इसमें भी सेम वही पेंसिल हैं, ये 2B, 4B, 8B, 6B, 10B एंड HB पेंसिल इसमें भी है। यहाँ पर लिखा होता है, देखिए कौन से सीरीज की, कौन से नंबर की पेंसिल है। वैसे इसमें भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये कैमलिन की है, ये अप्सरा की, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और भी कंपनीज की आती हैं, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। या आपके पास कोई अलग पेंसिल नहीं है और आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो आप नॉर्मल पेंसिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जो नॉर्मली हम लिखने के लिए जो पेंसिल यूज़ करते हैं वो B सीरीज की ही होती है, और आप उससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा इन्फॉर्मेशन? और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई सी भी क्वेरी आ रही हो आपके माइंड में, तो हमें कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो उस पर भी बना सके और आपका जो भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, हम उसे क्लियर कर सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना स्केचिंग बनाना कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।